ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, मतलब एक्स निकालना है। टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आंसर है प्लस माइनस वन बाई रूट टू। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का लगाएं फार्मूला, देखो उसमें दो कंडीशन है, एक बार एक्स इंटू वाई को लेस देन वन मानना पड़ेगा, एक बार x into y को greater than 1 मानना पड़ेगा। तो उस फॉर्मूले को अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा, ध्यान दो। तो क्या तरीका है? तरीका देखो यहाँ पर ये होता है ऐसे केसेस में क्वेश्चन को करने का कि हम दोनों तरफ tan ऑपरेट कर दें, tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू। दोनों तरफ देखो हमने tan ऑपरेट कर दिया और इधर भी देखो tan ऑपरेट कर दो तो tan pi by 4 हो गया। अब देखो जैसे ये मान लो a है और ये मान लो b है, देखो ये आ गया tan of a plus b, tan of a plus b है ना, ठीक है, tan of a plus b। तो क्या रिजल्ट देखो इसका होगा, tan a प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन पाई बाई फोर कितना है बोलो वन। अब देखो टेन ऑफ ए का देखो मतलब क्या हुआ, देखो टेन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, टेन ऑफ ए का मतलब ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। देखो ए, ए की जगह देखो हमने ये पुट कर दिया तो tan of tan inverse क्या हो गया x minus 1 by x minus 2। तो देखो ये tan a की वैल्यू ये आ गई, ये आ गया x minus 1 by x minus 2 plus, और tan of b करोगे देखो ये हो जाएगा x plus 1 by x plus 2 upon 1 minus, देखो tan a फिर यही हो गया x minus 1 x minus 2, और tan b हो गया x plus 1 by x plus 2, और tan pi by 4 की वैल्यू कितनी है बोलो 1 है, ध्यान दो है ना। इसको a माना था, देखो tan a चाहिए, tan a का मतलब tan of this चाहिए, tan of tan inverse हमेशा x होता है, tan of tan inverse x हमेशा x होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको x लिख दिया। इसी प्रकार tan of b निकालेंगे तो सिर्फ इतना आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करके हमें x की वैल्यू चाहिए है। अब देखो हमारा काम आसान है, इसको सिंपलीफाई करें क्या होगा, देखो ऊपर एलसीएम लो तो हुआ x माइनस टू एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाई, देखो इधर दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस x माइनस वन एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और इधर कितना वन, देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करने का काम रह गया, वही मतलब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, इजी है, इसको मिटा दें। देखो यहाँ पर देखो इसे करो मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, इसे करो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, देखो ये क्या हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर वन, ऐसे आया देखो ये, ठीक। देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, देखो ऊपर क्या हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, नीचे देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल तो नीचे बचेगा माइनस थ्री इक्वल टू वन, है ना। अब देखो यहां से x को निकाला जा सकता है आसानी से, क्या होगा देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, देखो x क्या आ गया प्लस माइनस वन बाई रूट टू, देखो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, मतलब ये मत समझना कि tan वर्स x प्लस tan वर्स y लगा दे उससे क्वेश्चन लेंथी हो सकता है,
क्योंकि उसमें जो कंडीशंस हैं वो दिक्कत कर सकती हैं। तो इसलिए दोनों मतलब टेन को ऑपरेट करना, ठीक। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।